अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का उनवान है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, जबकि बदर एक मुकाम का नाम है। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप ग़ज़वा बदर के असबाब, वाक़ियात और नतायज के बारे में जान सकें। सबक की पढ़ाई से पहले हम इसके ख़ास अल्फाज देख लेते हैं। संग दिल, साख दिल, बेसर और सामानी, बग़ैर अशिया और सामान के, ज़िरह जंगी लिबास, तहस नहस तबाह, मार्का जंग, लश्कर कशी चढ़ाई हमला, सरमायाकारी तिजारत के कारोबार में रुपया लगाना, पड़ाव वक्ती तौर पर ठहरने की जगह, लश्कर जर्रार बड़ा भारी लश्कर, जौहर खूबी हुनर या फिर कमाल। अब हम सबक की रीडिंग करते हैं। कफ़ार मक्का बहुत संग दिल और बेरहम लोग थे। मुसलमान इनके जुल्म सितम से तंग आकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। हिजरत करने वाले मुसलमान बेसर व सामानी की हालत में, बग़ैर साजो सामान के मदीना मुनव्वरा पहुँचे। वो अपना सारा साजो सामान मक्का में छोड़ आए थे, लेकिन कफ़ार मक्का ने यहाँ भी इनका पीछा ना छोड़ा। कफ़ार की ख्वाहिश थी कि मुसलमान कहीं भी अमन व सुकून से ना रह सकें। इसके अलावा यहूद और मुनाफिकीन भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे। इन हालात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दे दी, जिसके नतीजे में कुफ्र व इस्लाम का पहला मार्का पेश आया, यानी कि पहली जंग हुई। ये मार्का ग़ज़वा बदर के नाम से मशहूर हुआ। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। असबाब, कफ़ार मक्का का एक काफ़िला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से तिजारती सामान लेकर मक्का वापस आ रहा था। इस तिजारती काफ़िले में 1000 ऊँटों पर 50,000 दिनार की मालियत का साजो सामान लदा हुआ था। कुरैश का ये तिजारती सरमाया मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफ़िले की वापसी का इल्म हुआ, तो आप अल्लाह ताला के हुक्म से सहाबा किराम को साथ लेकर रवाना हो गए, ताकि इस काफ़िले का रास्ता रोक कर कुरैश की ताकत तोड़ दी जाए। अबू सुफियान को मुसलमानों के मदीना से निकलने का इल्म हुआ, तो इसने मुशरिकीने मक्का को पैगाम भेजा कि आकर मुसलमानों से अपना तिजारती काफ़िला बचाओ। इस तिजारती काफ़िले में तकरीबन तमाम ही अहले मक्का ने सरमायाकारी कर रखी थी, यानी कि अपना रुपया लगा रखा था। कफ़ार मक्का ने फौरी तौर पर 1000 का लश्कर जर्रार, यानी कि भारी लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में वाफर सामान रस्त के साथ 100 घोड़े, 170 ऊंट और 600 जिरहें थीं। अबू सुफियान रास्ता बदलकर बच निकलने में कामयाब हो गया। इसने कफ़ारे मक्का को इत्तला भेजी कि काफ़िला मुसलमानों के हाथों से बच गया है और ख़तरा टल गया है, अब लश्कर कशी की ज़रूरत नहीं, यानी कि हमला करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो लोग वापस चले जाएं। लेकिन कफ़ार का सरदार अबू जहल मुसलमानों पर लश्कर कशी से बाज ना आया और आगे बढ़कर बदर के करीब पड़ाव डाल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम के मशवरे से पेशकदमी जारी रखी, चनांचे इस्लामी लश्कर भी बदर के करीब पहुँच कर रुक गया। इस इस्लामी लश्कर के पास सामान जंग में 2 घोड़े, 70 ऊँट और 6 तलवारें थीं। गोया ये लश्कर जंग के लिए पूरी तरह तैयार होकर ना निकला था। इसी रात अल्लाह ताला ने मूसलाधार बारिश बरसाई, जिससे मुशरिकीन मक्का की पेशकदमी रुक गई और मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ में बसर की, अगले दिन लश्कर तरतीब दिया और मैदान जंग में उतरे। जंग शुरू होने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह, अगर आज तेरे ये चंद बंदे ना रहे तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। या अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है आज पूरा फरमा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। सूरतुल अनफाल में है, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, इल्तिजा करते थे, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरिश्तों के ज़रिए की। वाक़ियात
17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी की सुबह दोनों लश्कर आमने सामने हुए। इस ज़माने के दस्तूर यानी के रवाज के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबला हुआ। कफार के लश्कर से उत्बा, शीबा और वलीद आए। मुसलमानों की जानब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुकाबले के लिए निकले। मुकाबला हुआ और मुजाहिदीन ने तीनों काफरों को कत्ल कर दिया। इसके बाद ज़ोर और शोर से आम जंग शुरू हुई। यह जंग तारीख़ इस्लाम की पहली और इंतहाई अहम जंग थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और ज़ोके शहादत से सरशार मुजाहिदों ने कम तादाद के बावजूद दुश्मन के माहिर और असले से लेस जंगजुओं की सफ़ों को तहस नहस कर दिया। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा ने खूब बहादुरी दिखाई और काफिरों को ढेर कर दिया। आखिरकार कफार को शिकस्त हुई। कफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, हत्ता कि अबू जहल भी मारा गया। अबू जहल कफार का सरदार और सिपा सालार था। इसे दोनों उमर मुजाहदों माज और माउज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कत्ल किया। सिपा सालार यानी के फौज का सबसे बड़ा अफसर। इस जंग में 70 कफार कत्ल हुए और 70 काफिरों को कैदी बनाया गया। दूसरी तरफ 14 मुजाहदीन शहीद हुए। अल्लाह ताला ने लश्कर इस्लाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और मुजाहदीन की शुजात और बहादुरी की बदौलत अजीमुशान पता नसीब फरमाई। इस जंग में जो लोग कैदी बना लिए गए थे मुसलमानों ने और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। बाज़ कैदियों को एहसान के तौर पर छोड़ दिया गया। जो बाकी बचे इनके मुतालिक ये तय हुआ कि या तो फिदिया देकर आज़ादी हासिल कर लें या 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। नताइज, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी कम तादाद के बावजूद कफार के अजीम लश्कर पर शानदार फतह नसीब फरमाई। जंगे बदर की फतह ने मुसलमानों के हौसले मज़ीद बुलंद कर दिए। जंगे बदर की शिकस्त से कफार के हौसले पस्त हो गए। मुसलमानों की ईमानी कुव्वत से खौफजदा होकर कफार मक्का को यकीन हो गया कि मुसलमानों को ख़त्म करना आसान काम नहीं। ग़ज़वा बदर में कामयाबी से मुसलमानों को ये पुख्ता यकीन हो गया कि किसी जंग में कामयाबी के लिए कसीर तादाद नहीं यानी कि कसरत होना ज़रूरी नहीं बल्कि जज्बा ईमानी और अल्लाह की गैबी मदद ज़्यादा अहम है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के बाद इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। खाली जगह पर गए कफार मक्का का लश्कर डैश की क़यादत में मदीना पर हमला करने के लिए मक्का से निकला। अबू जहल, ग़ज़वा बदर तारीख की डैश और इंतहाई अहम जंग थी। पहली ग़ज़वा बदर में कफार के डैश लोग मारे गए 70। ग़ज़वा बदर में डैश मुजाहिदीन शहीद हुए 14। अबू जहल को कत्ल करने वाले डैश थे दोनों उमर मुजाहद माज और माउस। ग़ज़वा बदर के हवाले से दज़ज़ैल खाली जगह मुकम्मल कीजिए। इस्लामी फौज क़यादत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कफार की फौज क़यादत अबू जहल। घोड़े मुसलमानों के 2 जबकि कफार के पास 100। मुसलमानों के पास 70 ऊँट जबकि कफार के पास 170। मुसलमानों में से 14 अफराद शहीद हुए जबकि कफार के 70 अफराद। मुसलमानों को कामयाबी मिली जबकि कफार को नाकामी। नेक्स्ट सवालात हैं, इनके जवाब आप नोट से याद करेंगे। थैंक यू।